आगे बात करें आउटिंग के लिए, मैंने कहा चले मैं घूमने जा रहा हूँ, साथ में आपको भी थोड़ा सा विजिट करवा लेता हूँ, तो थोड़े से नज़ारे करवा लेता हूँ। अभी बाकी ऐसे लग यूट्यूब पर कोई वीडियो डालने लगा, साथ ही मसरूफियात उस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे सकता हूँ, ना किसी और चीज़ के अंदर ट्राई करूँगा इन फ्यूचर आपको मज़ीद टाइम किया जाए। तो अभी के लिए ये है कि हम अभी टोरंटो में हैं, तो टोरंटो में एक आइलैंड है उसकी तरफ जाते हैं, उस आइलैंड का आपको व्यू करवाते हैं, तो फिर आपसे हो गया है। आगे मिलते हैं आगे की जाने। चले जी थोड़ा दूर भागे और सी एंड टब ने भी अपने नज़ारे करवाने शुरू किए, उसके साथ ही वो रोजर सेंटर है जहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ दो तीन दिन पहले हमारे इधर जो ये किसान आए थे और मेला लूट के चले गए, टिकट में गए होने की वजह से हम तो नहीं जा सके, नहीं तो हमारे तो फेवरेट हैं, हमने जाना ही जाना था, तो बस टाइम और ऑलरेडी टिकट सोल्ड आउट थे और जो रहते थे तो वो बहुत ही महंगे थे, पाँच से बहुत दूर थे, क्योंकि अभी तक हम इतने सेटल नहीं हुए कि 2018 का टिकट खरीद के कोई इवेंट देखने जाएं कि नहीं। वली भाई सोच में घूम रहे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। वली भाई क्या सोच रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ। वली भाई नज़ारे करते हुए आज साहब नीचे बैठेंगे, अगर नज़र आया तो बैठेंगे, आपको मैं नज़ारा पूरा करवा दूँ, कुछ का बैठ जा। चलो जी लैंड होने लगा है और जब तक नज़र आएगा ये लो जी लैंड हो गया। चले जी पार्क के अंदर आते ही फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह से है, पार्क नहीं आइलैंड के अंदर आते ही फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह से है, और चेक करें नज़ारा, वो बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ये उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ये देख ले ग्रीनरी, कोई भी आर्टिफिशियल या कुछ इस तरह का सीन नहीं है, सब नेचुरल चीज़ें, सब नेचुरल फूल पौधे, ये ओरिजिनल फूल हैं, पास से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, बाद में ना कहना कि शाह जी तुसों दे में साढ़े आठ ड्रामा ही ए चेक करो सही करके, ओ शायद दी मक्खी भी अंदर घुस गई है, समझ आई कि नहीं आई, उसके पास ज़्यादा जाओ नहीं, काट भी देती है और काटने के बाद जो हाल होता है वो तो आपको पता ही है। और ये इस तरह का पूरे चारों तरफ सेम इसी तरह की ग्रीनरी है, वो आगे किसी स्पॉट पे जाते हैं और जाके बैठते हैं, फ़ोटो शोटो बनाते हैं, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, और फिर बाद में पता नहीं क्या एडिट करूँगा और आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। नज़ारे ही नज़ारे जिधर देखो, ये इधर पूरा गोल घूमो, हर तरफ एक ही सीन है, पूरे आइलैंड में यही सीन है। तो अभी आपका भाई इधर बीच ही कह सकते हैं, बीच की तो ही ना इसको बीच बोलना, फिर भी नज़ारा करने के लिए, हवा का मज़ा लेने के लिए, हिंदी में क्या बोलते हैं आनंद नहीं सही करके बताओ यार, लफ्ज़ क्या है वो, आनंद आनंद लेने के लिए किसी ने आना हो तो वो आ सकता है। ये दरअसल में पंजाबी है इंडिया से और पंजाबी ही बोलता है, और ठीक है, और ऊपर से आके चश्मा मांग रहा है, चश्मा तो फ़ोटो बुलना है भाई, यार मेरे मुझे वीडियो के दरमियान तो चश्मा खींच रहा है यार, देख लो बेगाने मुल्क पंजाबी पंजाबी के कम आने, ठीक है।
फिल्म नहीं देखी है। चलें, और यहाँ पे मज़े की चीज़, हमारे आज के फोटोग्राफर इंतहाई मेहनत के साथ नैयर भाई की फ़ोटो ले रहे हैं, और कैमरामैन वली भाई के साथ खैबर पख्तूनख्वा न्यूज़ टोरंटो। अब इसको देखो, ये हमारे पास बैठा हुआ है बिल्कुल ही, और इसको मैं हिंदी में बुला रहा हूँ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी बुला रहा हूँ नहीं आ रहा है। यार इसे पूछ के बताओ कौन सी भाषा बोलता है ये। और ये दे दो ये बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं यार, ज़िंदगी के मज़े तो इनके हैं, चश लेने देख लो इनको, कैसे फिट किस्म के मज़े इनके। और एक वो जाके पहुँच गया है चीज़ें ढूंढने खाने की, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है इनको, आप फीड नहीं दे सकते हो किसी भी किस्म की, और क्योंकि नेचर से जो चीज़ उनको मिलेगी इनको वही चीज़ दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, ये बिल्कुल नज़दीक है मेरे, थोड़ा जूम करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखो कैसी चीज़ है, क्या ही प्यारी कुदरत की बनाई हुई चीज़। होप यू आर एंजॉयिंग। फाइनली थक हार के तो वीडियो को इधर ही एंड कर रहा हूँ, तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, किसी नई जगह पे, किसी नए मंजर के साथ। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए, तो हमारे साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल।